रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगाता है। रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगाता है। शाम हुई लाली फैलाकर अपने घर को जाता है। दिन भर खुद को जला जलाकर ये उजाला फैलाता है। उसका जीना ही जीना है जो काम सभी के आता है। नमस्कार, मैं वकीला पीजीटी हिंदी जी ट्रिपल एस खानपुर कला। प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं की कविता उषा। और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और इस कविता में कवि ने उषा के बारे में, यानी कि जो भोर होती है, जो सुबह होती है, तो उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार से सूर्य उदय होने से पहले का वर्णन और सूर्योदय होने के बाद का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर गांव की सुंदरता के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहले प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरव भाग 2 में संकलित कविता उषा से ली गई हैं। और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और इस कवि में कवि कवि इस कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया है। तो चलिए। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। अब कवि यहाँ पर उसकी जो उपमान, अलग अलग उपमानों का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। तो पहला उपमान क्या है कि प्रातः नभ था, कि प्रातः के समय नभ होता है आसमान, बहुत नीला शंख जैसा, नीले शंख के समान भोर का नभ। कि जब जैसे ही भोर का नभ, यानी कि जो सुबह होती है, तो उस समय जो आसमान है वो नीले शंख के समान दिखाई देता है। वो नीला शंख के समान, वो आसमान भी नीला होता है और जो शंख है तो उससे उसकी उपमा की गई है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जैसे ही सुबह होता है तो वो नीले शंख के समान दिखाई देता है। राख से, अब किन किन उपमानों का प्रयोग किया है, राख से लीपा हुआ चोगा अभी गीला पड़ा है। अब यहाँ पे कवि ने सबसे पहले ही उपमान यहाँ पर इस कौन सा प्रयोग किया गया है कि ऐसा लगता है कवि को कि राख से लीपा हुआ चौका, चौका होता है जो गांव में मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं, चूल्हा चौका, जो घर की औरतें सुबह सबसे पहले किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उस चूल्हे चौके को लीपती थी मिट्टी से। तो यहाँ पर क्या उपमान का प्रयोग किया गया है कि उस भोर के नभ को, यानी कि सुबह के आसमान को देखकर ऐसा लगता है कि किसी गृहिणी ने अभी अभी अपने चूल्हे को किसी राख से उसको लीपा है और अभी गीला पड़ा है, यानी कि वो अभी सूखा नहीं, वो अभी गीला है। अभी अभी किसी की गृहिणी ने उस चूल्हे को लीपा है और वो अभी गीला पड़ा है। दूसरा, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। दूसरे उपमान का प्रयोग क्या है कि ऐसा लगता है कि बहुत काली सिल, यानी कि बहुत काली सिल होती है पत्थर की, बहुत काले पत्थर के ऊपर जरा से, यानी कि थोड़ा से लाल केसर, केसर का रंग होता है लाल, कि जो काला पत्थर है उसके ऊपर लाल केसर डाल दिया गया हो और उसको धो दिया गया हो। यानी कि पहले थोड़ा सा आसमान थोड़ा सा काला काला दिखाई देगा तो उसकी चूल्हे के चौके के समान उपमा की गई है। दूसरे में क्या है, पत्थर काला होता है और उसके ऊपर लाल जब केसर डालते हैं तो वो भी लाल हो जाता है। तीसरा, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर ऐसा लगता है कि जो स्लेट होती है वो काली होती है और उसके ऊपर लाल खड़िया चाक, खड़िया एक प्रकार की मिट्टी होती है जिससे चाक बनाए जाते हैं। तो कहता है कि ऐसा लगता है, या फिर मानो ऐसा लगता है कि किसी काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक किसी ने मल दिया हो। तो यहाँ पर कवि ने तीन प्रकार की उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया है। पहले में क्या है, पहले में ये चाक से, यानी कि चूल्हे चौके से उसकी उपमा की गई है कि ऐसा लगता है किसी गृहिणी ने उस चूल्हे को अभी अभी लीपा हो जो भी गीला पड़ा है। दूसरा क्या है, काला पत्थर है और उसके ऊपर लाल केसर किसी ने डाल दिया गया हो और उस सिल को धो दिया गया हो। और तीसरा उपमान क्या है कि ऐसा लगता है कि काली स्लेट के ऊपर किसी ने लाल खड़िया चाक उसके ऊपर मल दिया गया हो। तो यहाँ पर जो सुबह भोर का जो आसमान है, भोर का जो आसमान की यहाँ पर सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरा दूसरा स्टेंजा, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब यहां पर कवि कहता है किस प्रकार से कि नील जल में, कि नील जल किसके समान है, जो आसमान, जब सूर्य निकलता है तो वो नीले आसमान से निकलता है। तो नीला आसमान यहाँ पर कवि ने कैसा माना है कि नीला आसमान मानो नीला जल हो और उसमें से किसी की गौर झिलमिल दे, यानी कि किसी, यहाँ पर एक किसी युवती से यहाँ पर तुलना की गई है कि ऐसा लगता है कि गोरे शरीर वाली कोई युवती झिलमिलाती हुई अपने शरीर के साथ वो उस पानी के अंदर, नीले जल के अंदर वो नहा करके।
बाहर निकल रही हो, यानी कि ऐसा लगता है कि वो नीला आसमान कैसा है, नीले जल के समान है, और उसके अंदर कोई युवती यानी कि सफेद शरीर वाली युवती उस पानी के अंदर नहा करके वो बाहर निकली हो, और उससे उसने अपने जो गोरे शरीर की जो निकलने वाली किरणें हैं उन किरणों को उसने चारों तरफ फैला दिया हो, यानी कि अब सूर्योदय निकल रहा, सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि नीला आसमान है और वहां से जब सूर्य निकलता है तो सूर्य सफेद है, और जब वो अपनी किरणों को फैलाता है तो चारों तरफ उजाला छा जाता है। तो यहाँ पर एक नीले जल के साथ उसकी तुलना की गई है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब कवि कहता है कि जो सूर्योदय हो रहा है और अब जो उषा का जादू था, यानी कि जो सुबह का, जो भोर का जादू था, वो अब टूट रहा है और सूर्य उदय हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले की अवस्था का वर्णन किया गया है, उसके बाद सूर्योदय के बाद का वर्णन किया गया है। तो सूर्योदय से पहले आसमान किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा काला काला सा, फिर लाल और फिर सफेद आसमान हमारा हो जाता है, सूर्य अपने किरणों को फैलाना शुरू कर देता है, और उसके बाद जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उससे जो भोर का जो नभ था या उषा का जो जादू था वो सब टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कवि ने यहाँ पर बहुत सारे उपमानों का प्रयोग किया गया है। हम इसका काव्य सौंदर्य करते हैं, तो काव्य सौंदर्य में पहला क्या है कि यहाँ पर जो गांव की सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। दूसरा, यहाँ पर कवि ने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा बड़ी सहज और सरल है, और प्रसाद गुण का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, और यहाँ पर दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये कविता आसानी से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।